एक सपना था, जी हाँ सपना, लेकिन उसकी सौगात देते नजर आए आज अखिलेश यादव। आज ट्रायल है मेट्रो का और इस दौरान जब समारोह के दौरान बोले सीएम अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि 2 महीने तक जारी रहेगा मेट्रो का ट्रायल। मेट्रो शुरू होने से लोगों को जाम से मिलेगी निजात, मौका मिला तो वाराणसी में भी चलाएंगे मेट्रो। घोषणा पत्र में किए गए सभी वादे पूरे किए। साथ ही कहा नोटबंदी पर बोले सीएम अखिलेश यादव की पहले केंद्र ने मांगे थे 50 दिन और अब महीनों मांग रहे हैं, लोगों को वेतन निकालने में परेशानी हो रही है। साथ ही कहा कि बैंकों की ब्रांच में पहुंच ही नहीं रही करेंसी। लखनऊ मेट्रो के ट्रायल के दौरान मंच से कुछ इस अंदाज में बोलते नजर आए सीएम अखिलेश यादव। तो आज लखनऊ मेट्रो के ट्रायल का दिन था, महत्वपूर्ण दिन 1 दिसंबर, और ये एक सौगात भी समझी जा सकती है और विकास में मील का पत्थर साबित होता हुआ दिन, क्योंकि लगातार जिस तरह से विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, तमाम तरह की सुविधाएं देना और उसके बाद मेट्रो जो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है उसका ट्रायल रन, और चुनाव से पहले ये ट्रायल कराना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जब जनता के बीच में जाएंगे समाजवादी पार्टी के नेता और मुख्य तौर पर अखिलेश यादव, तब जनता को ये जरूर गिनाएंगे कि जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे भी किए गए। तो वहीं मेट्रो ट्रायल कार्यक्रम के दौरान सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मेट्रो सही समय पर शुरू होने पर मुझे खुशी है, मेट्रो से जुड़े सभी अधिकारियों को शुक्रिया भी अदा किया। साथ ही कहा कि सपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, कथनी और करनी में भेद करने वाले भ्रष्टाचारी होते हैं। मुलायम सिंह यादव ने इस दौरान सेना के बारे में कहा कि देश की सेना बहादुर सेना है, 4 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया, हर कीमत पर लोगों को रोजगार मिलना भी चाहिए, सभी को रोजगार देना हमारा उद्देश्य है, इंसानों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो तमाम बातें मुलायम सिंह यादव ने आज मेट्रो ट्रायल कार्यक्रम के दौरान बोली।